हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाले हैं, जिसमें सी में स्ट्रिंग हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे असाइन करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं और कैसे रीड और राइट करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। In C programming, a string is a sequence of character terminated with a null character. For example, character C close or open equals to C string. अब यहाँ पर हम लोग ने dynamic array define किया। अगर आपको नहीं पता dynamic array क्या है तो मेरे array वाले tutorial को देख लीजिएगा, वहाँ पर हमने बताया है कि जब हम कोई भी साइज डिफाइन नहीं करते हैं तो वो डायनेमिक एरे होती है। तो जब उसमें स्ट्रिंग हम डालेंगे तो नल करेक्टर बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसमें डाल देगा, जिससे आपकी एरे इनिशियलाइज हो जाएगी। व्हेन अ कंपाइलर एनकाउंटर अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर एनक्लोज इन अ डबल कोट्स मार्क, इट अपेंड अ नल करेक्टर एट द एंड ऑफ डिफॉल्ट। अब नल करेक्टर क्या होता है? \0। तो इस तरह से मेमरी में वैल्यू स्टोर जाएगी \str\ing और \0। हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग। अब अगर हम स्ट्रिंग ये होती है तो इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? हाउ यू कैन डिक्लेयर अ स्ट्रिंग। करेक्टर नेम 5, नेम 0, नेम 1, 2, 3, 4। अब यहाँ देखिए, रतन नाम हम अपना दे रहे हैं तो पहली पोजीशन 0 होगी, क्योंकि एरे के पहली पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, हमने आपको बताया था, और उसमें वैल्यू एक एक करेक्टर हर सेल में स्टोर हो जाएगी, तो स्ट्रिंग डिक्लेरेशन हो जाएगा। हियर वी हैव डिक्लेयर अ स्ट्रिंग ऑफ 5 करेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग ने 5 करेक्टर की स्ट्रिंग को डिफाइन किया था। हाउ टू इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग। अगर अब डिक्लेयर हो गई तो इनिशियलाइज कैसे करते हैं? You can initialize a string a number of ways. अब कई तरह से हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं। करेक्टर सी इक्वल्स टू ए बी सी डी, करेक्टर सी 50 इक्वल्स टू ए बी सी डी, करेक्टर डायनेमिक एरे इक्वल्स टू ए बी सी डी नल करेक्टर, करेक्टर 5 इक्वल्स टू ए बी सी डी नल करेक्टर। या तो हम डायनेमिक एरे लें या एरे बड़ी लें और तब उसमें डायरेक्ट स्ट्रिंग डाल दें, और या फिर डायनेमिक एरे लें और साइज प्रॉपर दे करके विद इन कोट्स एक एक करेक्टर को डाल के उसको नल से एंड कर सकते हैं। तो ये वैल्यू एरे में इस ढंग से इनिशियलाइज हो जाएगी और करेक्टर एरे ना बन करके स्ट्रिंग आपकी स्टोर होगी। लेट टेक अनदर एग्जांपल। अब हमने लिया करेक्टर 5 ए बी सी डी ई। अब जितने करेक्टर हमने लिया उतने ही करेक्टर हमने स्ट्रिंग में भी डाल दिया, तो क्या होगा? वो असाइन नहीं होगा, क्योंकि we are trying to assign 6 character. The last character is null. To character array having 5 character, this is a bad and you should never do this. अब आप जब जितना character ले रहे हैं उतने ही value डाल देंगे तो null के लिए जगह नहीं बचेगी, तो वो उसको assign नहीं करेगा और value initialize नहीं होगी। अब assign value to string कितने तरह से आप करते हैं और क्या valid है क्या नहीं है? अब आपने दिया str string unix not null terminator is not there, terminator is not there, तो यहाँ पे क्या होगा? not null नहीं है, तो साइज जो है हमारी less than required साइज है, तो ये एज अ करेक्टर एरे वर्क करेगा। फिर str 5 और null करेक्टर आया तो साइज इक्वल है, तो एज अ स्ट्रिंग काम करेगा। फिर डायनेमिक एरे लेंगे तो वो एज अ स्ट्रिंग काम करेगा। फिर ज़्यादा वाली एरे लेंगे तो वो एज अ स्ट्रिंग काम करेगा, जैसा कि ऊपर भी हमने समझाया था। एरे एंड स्ट्रिंग डू नॉट सपोर्ट द असाइनमेंट ऑपरेटर वंस इट इज डिक्लेयर। लेकिन आप अगर एक बार एरे को डिफाइन कर चुके हैं और तब इनिशियलाइज करते हैं, सी इक्वल्स टू ए बी सी लिखते हैं, तो वो नहीं लेगा, एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि डिक्लेरेशन के समय तो आप असाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बताया था कि जैसे ही एरे बनती है उसका फर्स्ट पोजीशन जो होता है वो एज अ एड्रेस स्टोर हो जाता है। रीड स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर। अब तब क्या करें? अगर ऐसे नहीं स्टोर हो रहा है, हमने डिक्लेयर कर दिया, तो उसको हम स्कैन करके, स्कैन एफ करके फंक्शन में
रीड कर सकते हैं स्ट्रिंग को, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है. जब आप स्कैनफ करते हैं, यू कैन यूज अ स्कैनफ फंक्शन टू रीड अ स्ट्रिंग. द स्कैनफ फंक्शन रीड द सीक्वेंस ऑफ करेक्टर अंटिल इट्स एनकाउंटर द वाइट स्पेस. अब आपकी या तो स्पेस हो या न्यू लाइन हो या टैब हो, वहाँ से आपकी आगे की स्ट्रिंग टर्मिनेट हो जाती है. तो वो कैसे होती है देखते हैं. यहाँ पे कह रहा है स्कैन एफ टू रीड अ स्ट्रिंग. हमने आपको कितनी बार बताया कि std:io.h लेते हैं इनपुट आउटपुट के लिए. नेम डिफाइन किया, करेक्टर नेम 20 दिया, एंटर नेम किया, हमें स्कैन एफ परसेंट डी एस करेंगे तो जब नाम वो पढ़ेगा तो, और रिटर्न जीरो करेंगे तो क्या देगा, हमने दिया रोहित कर, तो वो केवल नाम में रोहित को स्टोर करेगा. क्यों? क्योंकि रोहित और गर के बीच में स्पेस उसे मिल जाएगा, तो वो स्पेस के बाद से आपकी स्ट्रिंग को ट्रंकेट कर देगा. वॉज एंटर्ड इन अबव प्रोग्राम ओनली रोहित वॉज स्टोर्ड इन द सेम स्ट्रिंग बिकॉज देयर वॉज अ स्पेस आफ्टर रोहित. ऑल्सो नोटिस दैट वी हैव यूज द कोड नेम इंस्टेड ऑफ एम्परसेंड नेम विद स्कैनर. अब हमने ये भी आपको बताया कि जब हम स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं तो उसमें एम्परसेंड नहीं लगता है क्योंकि वो खुद ही एड्रेस को रिफर कर पाएगा. तो स्कैन ऑफ परसेंटेज जब हम जब भी स्कैन ऑफ स्ट्रिंग करेंगे तो नाम के वेरिएबल के आगे एम्परसेंड नहीं लगता. अगर यही न्यूमरिक होता तो एम्परसेंड लगता. दिस इज बिकॉज द नेम इज अ करेक्टर एरे एंड वी नो दैट एरे नेम डिकेट टू पॉइंटर इन सी. Thus the name is scanf already point to the address of first element in the string, which is why we don't need to use ampersand. हमने आपको बताया ना कि वो first position जो होती है वो pointer की तरह काम करती है और वो address होती है. How to read the line of the text? अब ये problem कैसे solve होगी, हमारी पूरी line वो read करे, तो उसके लिए हमको use करना पड़ेगा f getters and putters. fgetters function is to read the line of a string and fputters is to display the string. तो ये पूरी पूरी string पढ़ने के लिए हमें fgetters और fputters और putters को use करना पड़ेगा. तो fgetters क्या करता है, read करता है function string को. तो यहाँ पे हम लोग फिर से character define करेंगे, enter name करेंगे. अब fgetters का syntax क्या होता है, name, size of name एन एस टी डी इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट पोजिशन होगी और जगह से लेगा वो, और उसकी साइज क्या है नेम की, वो साइज जब आप डिफाइन कर दीजिएगा तो वो पूरी स्ट्रिंग को रीड कर लेगा. अब प्रिंट एफ नेम जब हम करेंगे तो नेम डिस्प्ले हो जाएगा. तो जब हम रीड करेंगे तो रोहित गर्ग किया तो वो पूरा नाम आपका डिस्प्ले कर लेगा. हियर वी हैव टू यूज एफ गेटर्स फंक्शन टू रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर. fgetters name size of name std in read string. The size of name result to 30 character. हमने यहाँ पे देखिए array जो define किए वो 30 character define किए, तो वो 30 character तक के आपके नाम को size को हमने name को 30 character दिया तो वहाँ तक आपके name को store कर सकता है. Hence we can take a maximum of 30 character as input which is the size of the name string. To print the string we have used put name. अब हम putters यूज करेंगे. हम जब fgetters करते हैं तो putters यूज करके हम स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं. द getters फंक्शन कैन ऑल्सो बी टेक इनपुट फॉर्म फ्रॉम द यूजर. अब getters और putters भी हम पढ़ा चुके हैं आपको. getters जो होता है वो स्ट्रिंग को ले लेता है. हाउ एवर इट इज रिमूव फ्रॉम द सी स्टैंडर्ड It's because getters allow you to input any length of character. Hence there might be a buffer overflow. तो getters इसलिए अब ज़्यादा नहीं use होता, हटा दिया गया क्योंकि overflow हो जाता है. Passing string to function. अब string को function में कैसे pass करते हैं, जैसे हम array pass करते थे वैसे ही string को भी function में pass कर सकते हैं. तो उसके लिए आप कैसे एरे स्ट्रिंग फंक्शन में पास करते हैं का वीडियो बना हुआ है, उसको देख लीजिएगा. स्ट्रिंग कैन बी पास टू अ फंक्शन इन सिमिलर वे एज एरे पास टू द फंक्शन. अब इसके लिए क्या प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, पासिंग स्ट्रिंग टू द फंक्शन इंक्लूड std:h void डिस्प्ले स्ट्रिंग करेक्टर str. अब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसमें str नाम का एक एरे ली और
उसकी साइज हमने 50 डिफाइन कर दी, प्रिंट एफ एंटर स्ट्रिंग कहा और एफ गेटर से हमने उस स्ट्रिंग को इनपुट करा लिया। तो str साइज ऑफ str std इन लेंगे। अब डिस्प्ले स्ट्रिंग str करेंगे, तो डिस्प्ले स्ट्रिंग str जब करेंगे तो रिटर्न 0 लिखेंगे बाद में। तो डिस्प्ले स्ट्रिंग str कहाँ जा रहा है? फंक्शन में जा रहा है। फंक्शन में क्या करेगा? str के एरे को पास कर रहा है और स्ट्रिंग आउटपुट कर रहा है। तो पुटस str जब हम करेंगे, हमने आपको बताया कि एरे जो होती है उसका फर्स्ट पोजीशन जो होता है पॉइंटर होता है, तो जब हम पुटस str करेंगे तो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी एज अ एड्रेस, वो पूरा स्ट्रिंग ले लेगा। सिमिलर लाइक एरे स्ट्रिंग नेम आर डिकेट टू पॉइंटर, हेंस यू कैन यूज अ पॉइंटर टू मैनिपुलेट एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग। अब सेम वे से जैसे एरे को हम प्रिंट करते हैं उसी तरह पॉइंटर को प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए एरे और पॉइंटर वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, हमने जो आपके लिए पहले ही बना रखा है और बताया है कि कैसे पॉइंटर प्रिंट होता है। तो स्ट्रिंग्स एंड पॉइंटर इंक्लूड स्टूडियो stdio.h। अब इंट वॉइड लिया, करेक्टर नेम लिया, हैरी पॉटर डाल दिया उसमें और प्रिंट एफ परसेंट सी, अब एक एक करेक्टर प्रिंट करा रहे हैं हम पॉइंटर के थ्रू। तो नेम नाम की जो एरे है वो उसका फर्स्ट करेक्टर प्रिंट होगा, फिर नेम प्लस वन करेंगे, नेम प्लस टू करेंगे, नेम प्लस थ्री करेंगे। इस तरह से हम जिस भी करेक्टर को चाहें हम प्रिंट करा सकते हैं। तो पहला जो आपका करेक्टर प्रिंट हो रहा है वो एच हो रहा है, फिर प्लस वन करने पे ए होगा और सेवन करने पे कहाँ जाएगा? थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन पे ओ आ रहा है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ओ पे ओ जो है वो सेवन पोजीशन पे आ रहा है। तो इस तरह से हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब इसी को पॉइंटर से कर रहा है, तो पॉइंटर में क्या कर रहा है? नेम ptr हमने डिफाइन किया, नेम ptr पॉइंटर डिफाइन किया और उसमें एरे नेम डाल दी। अब जब नेम डाल दी तो स्टार नेम ptr करेंगे, तो अब देखिए एरे भी एज अ पॉइंटर वर्क कर रहा और हमने जो पॉइंटर डिफाइन किया वो भी आपका प्रिंट कर रहा, लेकिन इसमें डिफरेंस देखिए ब्रैकेट के अंदर क्लिक करके तब स्टार बाहर लगाते हैं तो ये प्रिंट होता है, यहाँ पर ये ब्रैकेट हट गया है। तो इस तरह से नहीं ठीक था ये, पहली वाला तो अपने आप ही एड्रेस ले लेगा ना, उसमें प्लस वन तो करना नहीं है, प्लस जीरो तो करना नहीं है। तो ये नेम ptr लिया, अब यहाँ पे एच ए ओ पॉइंटर से प्रिंट हो गया। अब हम कल आपके इसमें सेक्शन में कॉमनली यूज स्ट्रिंग फंक्शन और अदर यूज स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ाएंगे, जिसमें से strlen, cpi, cmp और strcat, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी कॉमन फंक्शन है, और str lower, str upper, str range, str span, str character, str set, str cat, str str, ये सारी चीज़ें आपकी अदर फंक्शन है। So this is all today viewer, if you like it please share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer, follow my all social media link, join my telegram channel, go to community and comment there on my video, thank you.